नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। डिजिटल डेस्क तेल अवीव मुस्लिम विरोधी पोस्ट करने पर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे को ब्लॉक कर दिया। फेसबुक ने 24 घंटे बाद जब यार नेतन्याहू को अनब्लॉक किया तो उन्होंने फेसबुक की जमकर आलोचना की। नेतन्याहू ने अपनी पुरानी पोस्ट का स्क्रीनशॉट दोबारा पोस्ट कर लिखा कि सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की सभी को आजादी है, लेकिन मुझे ऐसा करने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल यार नेतन्याहू वेस्ट बैंक गोलीबारी में मारे गए इजरायली रक्षा बलों IDF के दो जवानों पर पोस्ट लिखी थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि हमें अपने दो जवानों की मौत का बदला लेना चाहिए। उन्होंने लिखा था कि इजराइल की इस धरती पर तब तक शांति नहीं रह सकती जब तक सभी मुस्लिम इस देश को छोड़कर नहीं चले जाते। इस पोस्ट के बाद फेसबुक ने उन्हें अस्थायी रूप से 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक होने के बाद यार ने फेसबुक की जमकर आलोचना की। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि ये अविश्वसनीय है, सिर्फ आलोचना करने पर फेसबुक ने मुझे 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है। सोशल मीडिया एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हमें हमारे विचारों को स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन वहां भी हमारे मुंह पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही। हालांकि फेसबुक ने अब तक इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है। अपनी नई पोस्ट में यार ने फेसबुक द्वारा डिलीट की गई पिछली पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि किन देशों में आतंकी हमले नहीं होते हैं, वो देश जापान और आइसलैंड हैं और सहयोग से इन देशों में मुस्लिम आबादी नहीं रहती है।